ऑस्ट्रेलिया टूर भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा था। समझा जा रहा था कि विश्व कप से पहले भारत का विदेशी धरती पर ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, मगर जैसी शुरुआत मिली उससे भारतीय क्रिकेट फैंस काफी निराश हैं। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद तो फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है। फैंस का गुस्सा कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली पर जमकर निकल रहा है। दरअसल पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर वीवीएस लक्ष्मण ने धोनी को लेकर शास्त्री और विराट को जमकर लताड़ लगाई है। लक्ष्मण ने कहा, चाहे कोई माने या न माने, मगर एमएस धोनी ही टीम के असली कप्तान हैं। वनडे में 40वें और टी20 में 15वें ओवर में उनकी कप्तानी से टीम इंडिया आखिरी ओवर्स में कई बार मैच जीतती आई है, मगर इस महत्वपूर्ण दौरे से धोनी को बाहर करना उनकी सबसे बड़ी गलती है। लक्ष्मण ने कहा, गेंदबाजों को धोनी मैदान पर गुरु मंत्र देते रहते हैं और उनकी टिप्स से गेंदबाज और भी निखर कर सामने आते हैं। धोनी की ऐसी कप्तानी के जलवे कई दफा मैदान में देखे गए हैं, मगर उनको टी20 से बाहर करने का परिणाम अब दिख रहा है। भले ही वो बैट से ना खेल पा रहे हो, मगर विकेट के पीछे की उनके चमत्कार को टीम मैनेजमेंट ने इग्नोर कर दिया, जो आगे भी टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित होगा। आपको बता दें, लक्ष्मण की टिप्पणी के बाद क्रिकेट फैंस भी शास्त्री और कोहली के धोनी को बाहर करने के फैसले पर नाराज दिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा देखा जा सकता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।